विंटर में बच्चों की बॉडी को वार्म यानी कि गर्म कैसे रखें? तो सबसे पहले बच्चों को सही तरीके से कवर करना बहुत जरूरी है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है बच्चों को एक बड़ा सा मोटा सा स्वेटर या जैकेट पहना के पूरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। बच्चों को टेम्परेचर के हिसाब से लेयरिंग करके कपड़े पहनाने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी में सही टेम्परेचर बना रहे। सेकेंड, अगर ज्यादा ठंड है तो बच्चे की सोने की जगह को आप आयरन हीटर या तो फिर ड्रायर की मदद से थोड़ा वार्म करके उस जगह पे आप बच्चे को सुला सकते हैं। थर्ड, रात में सोने से पहले बच्चे के हाथ एंड पैरों पे अच्छे से मसाज करके सॉक्स एंड मिटन पहना के अगर आप बच्चों को सुलाते हैं तो बच्चे की बॉडी में अच्छी गर्मी बनी रहती है। अगर आपका बेबी 4 महीने से छोटा है तो स्वॉडलिंग एक बेस्ट तरीका है बच्चे की बॉडी को गर्म रखने का, इसीलिए 4 महीने से छोटे बेबी को स्वॉडल करके रखना चाहिए। अगर आपका बेबी 4 महीने से बड़ा है तो उसे रात भर ब्लैंकेट से कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे टाइम में स्लीपिंग बैग एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उससे उसे पूरी रात ठंड से प्रोटेक्शन मिलता है एंड बच्चे की बॉडी वार्म भी रहती है। बच्चे को खुले शरीर पे सीधा स्वेटर या जैकेट नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे से प्रोटेक्शन भी नहीं देता है एंड बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विंटर में बच्चों को रेगुलर मसाज करना चाहिए, जो कि बच्चे की बॉडी को वार्म रखने में बहुत हेल्प करता है। तो ये थे कुछ विंटर केयर पॉइंट्स। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज शेयर विद अदर पेरेंट्स टू, एंड ऐसे ही नए वीडियोस के लिए जल्दी से फॉलो करें।